तो फ्रेंड्स आज की वैकेंसी निकल के आ रही है ONGC में, यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड में। यहाँ पे ग्रेजुएट ट्रेनी वालों के लिए वैकेंसी निकल के आ रही है, और अगर आपकी सिलेक्शन यहाँ पे होती है तो आपके करियर के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सिविल इंजीनियर वाले, मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल इंजीनियरिंग वाले, इंस्ट्रूमेंटेशन वाले, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग वाले और भी डिपार्टमेंट वाले यहाँ पे एलिजिबल है। सभी नोटिफिकेशन में मैं डिटेल में आप लोग को पढ़ के समझा दूंगा। टोटल पोस्ट की बात करें तो 309 पोस्ट निकल के आ रही है, और सैलरी जो है वो इवन लेवल पे है, यानी कि 60,000 से आपकी सैलरी यहाँ पे स्टार्ट होने वाली है। अदर जो पर्क्स एंड बेनिफिट्स है वो तो अलग से हैं। ऑल ओवर इंडिया से यहाँ पे सभी अप्लाई कर सकते हैं, और ये आपका यहाँ पे परमानेंट जॉब है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब नहीं है। वीडियो में पूरा एंड तक जरूर बने रहिएगा, मैं पूरा प्रॉपर नोटिफिकेशन आप लोग को पढ़ के समझा दूंगा, और कैसे कहाँ से अप्लाई करना है वो सभी मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा, ताकि आप लोग प्रॉपर यहाँ तरीके से अप्लाई कर सको, कोई भी गलती आपसे ना हो। इसके लिए वीडियो को एंड तक जरूर देख लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, दूसरों की हेल्प हो जाएगी, कहीं ना कहीं मेरी भी हेल्प होगी। और अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं एवरीडे इंजीनियरिंग जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन आप लोग के लिए आता रहता हूँ। अन अकेडमी गेट एक्सपीरियंस 2023 वालों के लिए बैचेस स्टार्ट करने जा रही है, जिसका नाम है वर्ब, और आप यहाँ पे पार्टिसिपेट करके ऑल ओवर इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के साथ खुद की तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे क्लासेस स्टार्ट होने जा रही है 20 अक्टूबर यानी कि 20 अक्टूबर से, और यहाँ पे जो क्लासेस स्टार्ट होने वाली है वो स्टार्ट होगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के साथ, जिसको लेने वाले हैं प्रवीण कुलकर्णी सर, दोपहर में 1 बजे से। तो अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पे आपको वेरियस टाइप्स ऑफ टेस्ट लाइव देने को मिलते हैं, और आप यहाँ पे कम्पिटिट करते हो ऑल इंडिया लेवल पे, जिसमें आपको पहले ही पता चलता है कि आप ऑल ओवर इंडिया में किस जगह पे खड़े हो, ताकि आप अपने परफॉर्मेंस को और अच्छे से वहां पे सही कर सको। तो यहाँ पे इस कोर्स में एनरोल करने के लिए आप मेरा कोड CIVIL सिविल, इस कोड को अप्लाई करते हैं तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट यहाँ पे मिल जाता है। तो मौका जाने हाथ से ना दे, और इस 10% इंस्टेंट डिस्काउंट को आप जरूर से जरूर ले लें। एनरोल करने का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक से जाइए, कूपन कोड को अप्लाई कीजिए और इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, और इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के साथ अपनी तैयारी को अभी से शुरू कर दें। आप लोग के लिए गुड न्यूज है, यहाँ पे ऑफर अलर्ट चल रहा है अभी गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए। अगर आप 1 साल का गेट एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 4 मंथ्स यहाँ पे मिल जाते हैं एक्स्ट्रा तैयारी करने के लिए, तो आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं 33%। अनअकैडमी लाया है मेगा कॉम्बैट गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन वालों के लिए, जहां पे आप 4 करोड़ से भी ज्यादा के स्कॉलरशिप जीत सकते हो, और अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन का 100% फ्री आपको यहां पे मिल सकता है। और साथ ही में आप अपने टेस्ट को भी, अपने परफॉर्मेंस को भी चेक कर सकते हो कि ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे आप किस जगह पे खड़े हो। तो इस फ्री कॉम्बैट में आप लोग पार्टिसिपेट जरूर कीजिएगा। इस कॉम्बैट में जो एलिजिबल ब्रांचेस है वो है सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, CS और IT वाले। ये कॉम्बैट आपका होने वाला है 17 अक्टूबर को मॉर्निंग में 11 बजे से, और यहाँ पे आपको टोटल 20 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसके लिए आपको 60 मिनट्स मिलता है। और यहाँ पे एनरोल करने के लिए, इस कॉम्बैट को फ्री में अनलॉक करने के लिए आपको मेरा कोड CIVIL को अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे आप इसको अप्लाई करते हो, इस फ्री कॉम्बैट में आप फ्री में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो यहाँ पे 500 लकी पार्टिसिपेंट्स को मिलता है 100% डिस्काउंट गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन के प्लस सब्सक्रिप्शन पे, और साथ ही में यहाँ पे टॉप 20 रैंकर्स अलग अलग स्ट्रीम से सभी को यहाँ पे मिलता है सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट। तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई जरूर कीजिएगा, इस टेस्ट को फ्री में जरूर आप लोग दीजिएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक से जाके आप मेरा कोड CIVIL को अप्लाई जरूर कीजिएगा। तो ये है ONGC का ऑफिशियल वेबसाइट, मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑफिशियल लिंक प्रोवाइड कर दिया है, वहां से जाकर डायरेक्ट ऑफिशियल नोटिफिकेशन को एक बार खुद से स्टडी कर सकते हो और अप्लाई भी कर सकते हो, सारा लिंक मैंने प्रोवाइड कर दिया है। तो जैसे आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हो, आपको यहाँ पे देखिए करियर लिखा हुआ मिल जाता है, करियर के अंदर में रिक्रूटमेंट नोटिस लिखी हुई है, उस पर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको 2021 के बगल में यहाँ पे देखिए प्लस साइन है, इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रेजुएट ट्रेनी इन इंजीनियरिंग एंड जियो साइंस डिसिप्लिन थ्रू गेट 2021 स्कोर, इसी पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद सारे यहाँ पे उसके डिटेल्स यहाँ पे खुल के आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए एडवर्टाइजमेंट इन इंग्लिश, इस पे आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है, ताकि जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे खुल के सामने आ जाए। इसको मैं जूम कर लेता हूँ और इसको मैं पढ़ के आपको समझा देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इम्पोर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट होने वाला है आपका 11th अक्टूबर 2021 से, जो कि स्टार्ट हो चुका है, और इसके लिए जो लास्ट डेट रखा गया है वो है आपका 1st
November 2021, तो इस डेट तक आप लोग यहाँ पे अप्लाई जरूर कर दीजिएगा। रिक्रूटमेंट जो है ये ग्रेजुएट ट्रेनी वालों के लिए है, इन इंजीनियरिंग एंड जियो साइंस डिसिप्लिन वालों के लिए। E1 लेवल पे आपकी यहाँ पे सैलरी रहेगी और यहाँ पे गेट 2021 के थ्रू यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं पोस्ट डिटेल्स की तरफ। यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया से सभी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ये भी यहाँ पे बता दिया गया है। अब चलिए आगे, अब यहाँ पे देखोगे तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे। मैकेनिकल के लिए आप देख सकते हो 6 यहाँ पे है, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग वालों के लिए 1 है, सिविल इंजीनियरिंग वालों के लिए 18 है, फिर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए यहाँ पे 3 है। डिपार्टमेंट अलग अलग है, आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग हो गए, केमिकल इंजीनियरिंग है, एनवायरमेंटल साइंस है, ठीक है। ये सभी डिपार्टमेंट यहाँ पे एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए, और भी डिपार्टमेंट है, आप इसको चेक कर लेना। सभी के लिए यहाँ पे जो मिनिमम आपका परसेंटेज ऑफ मार्क्स मांगा गया है वो है 60%, और आपका यहाँ पे ग्रेजुएट होना चाहिए, यानी कि बीटेक आपका होना चाहिए एटलीस्ट इसको अप्लाई करने के लिए, तो इसको चेक कर लीजिएगा। टोटल वैकेंसी की बात करें तो सब मिला के यहाँ पे 309 वैकेंसी है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और यहाँ पे अगर कोई पार्ट टाइम भी किया हुआ है अपना डिग्री कंप्लीट, तो वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, कैंडिडेट्स हु हैव ऑब्टेन देयर क्वालिफिकेशन थ्रू डिस्टेंस लर्निंग पार्ट टाइम मोड आर ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई, प्रोवाइडेड देयर क्वालिफिकेशन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द रिलेवेंट स्टैट्यूटरी बॉडीज एम्प्लॉयमेंट टू पोस्ट एंड सर्विसेज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये अगर क्राइटेरिया मैच करती है तो आप लोग अगर डिस्टेंस लर्निंग से भी या पार्ट टाइम मोड से भी अगर आपने किया हुआ है अपनी डिग्री को, तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। और मैं बता दूं कि जो फाइनल ईयर में है वो भी यहाँ पे एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए, लेकिन एक कंडीशन है कि 2021 का जो रैंक कार्ड है वो आपके पास होना चाहिए और प्रॉपर होना चाहिए। ये नहीं है कि कुछ भी रैंक है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर दो। मेरे हिसाब से ONGC है तो एटलीस्ट 100 रैंक तक अगर आपका है तो ही आप यहाँ पे अप्लाई कीजिएगा, वरना मुझे नहीं लगता कोई फायदा होगा। फिर भी कॉन्फिडेंट अगर आपके अंदर है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए अब एज की बात कर लेते हैं। यहाँ पे तो एज के जो कट ऑफ डेट रखा गया है वो है आपका यहाँ पे 31 जुलाई 2021, और आप यहाँ पे देख सकते हो अनडिजर्व्ड EWS वालों के लिए 30 है, OBC वालों के लिए 33 है, SC ST वालों के लिए 35 है, PWD वालों के लिए 40 है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो फॉर AEE ड्रिलिंग पर्पज के लिए यहाँ पे एक कोस्ट निकाला गया है, उसके लिए ये वाला एज जो है वो कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। तो आई होप एज को समझ लियो आप लोग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे आपको कोई भी एग्जाम कुछ भी नहीं देना है, आपके क्वालिफिकेशन के बेसिस पे और गेट 2021 के बेसिस पे ही यहाँ पे सिलेक्शन आपका हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे वेटेज की बात करें तो आप देख सकते हो गेट 2021 के स्कोर को यहाँ पे 60% का वेटेज दिया गया है, आपके क्वालिफिकेशन को यहाँ पे 25 मार्क्स का वेटेज दिया गया है, और इंटरव्यू जो होगा उस पर आपका 15 मार्क्स का वेटेज दिया गया है। इस तरीके से टोटल आपका 100 मार्क्स का ये वेटेज रहने वाला है। तो चलिए बात करते हैं कि आपको यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है। तो कहाँ पे अप्लाई करना है वो मैं अभी आपको इस वीडियो के लास्ट में जाकर दिखा दूंगा कि कैसे अप्लाई करना है, लेकिन याद रखिएगा गेट 2021 आपका दिया हुआ हो, क्योंकि उसकी रजिस्ट्रेशन आईडी आपको यहाँ पे फॉर्म फिलअप करते वक्त लगेगी। चलिए एप्लीकेशन फीस की बात करते हैं। तो जो जनरल EWS OBC वाले हैं उन लोग का यहाँ पे ₹300 रजिस्ट्रेशन चार्ज लगने वाला है, और जो SC ST PWD वाले हैं उन लोगों को कोई भी चार्जेस यहाँ पे नहीं करने हैं, उन लोग के लिए बिल्कुल ये फ्री है। तो आई होप मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट सारा चीज कवर कर दिया है। चलिए मैं अब आपको वेबसाइट पे ले जाता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि कहाँ से कैसे अप्लाई करना है। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट जहाँ से आपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन को रीड किया था। अगर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन को स्टेप्स को फिल करने में दिक्कत आ रही है तो यहाँ पे देखिए 3 नंबर पे सारे स्टेप्स आपको बता दिए गए हैं, स्टेप्स टू फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन। इसको आप लोग एक बार स्टडी जरूर कर लीजिएगा तो आप लोग को समझ में आ जाएगी। वैसे आपको एकदम नीचे आना है और यहाँ पे देख लीजिए क्लिक हियर फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर रिक्रूटमेंट, इसी पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उससे पहले आप देख सकते हो कुछ मेडिकल रूल्स है वो सब आप चेक कर सकते हो यहाँ पे। चलिए हम लोग अप्लाई एप्लीकेशन प्रोसेस पे यहाँ पे क्लिक करते हैं, आपके सामने ये पेज खुल जाएगा जहाँ पे सबसे पहले आप न्यू एप्लीकेंट है तो इस पर क्लिक करके खुद को रजिस्टर कर लीजिएगा। रजिस्टर करने के बाद ही आप एग्जिस्टिंग एप्लीकेंट्स पे क्लिक करके यहाँ पे साइन इन करके यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे। कोई भी दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होगी आप लोग को, आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर देना। कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट में आप लोग जाके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप लोग को हेल्प कर दूंगा। आई होप आप लोग को यहाँ पे सारी चीज़ सब क्लियर हो गया है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको ऑफिशियल लिंक भी मिल जाएगा अप्लाई करने का, ऑफिशियल नोटिफिकेशन का भी। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, दूसरों की हेल्प हो जाएगी, कहीं ना कहीं मेरी भी हेल्प होगी। और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं एवरीडे इंजीनियरिंग जॉब के लिए नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, इससे क्या होगी एवरीडे नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही था, नेक्स्ट वीडियो में फ्यू क्वेश्चन लेके आऊँगा आप लोग के लिए। तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।